हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जयपुर इंडोनेशिया में आयोजित 18वें एशियाई खेलों की कबड्डी प्रतियोगिता में पदक विजेता राजस्थान पुलिस की दो महिला खिलाड़ियों को शालिनी पाठक और मनप्रीत कौर तथा कांस्य पदक विजेता राजू लाल का रविवार को सांगानेर हवाई अड्डे पहुंचने पर राजस्थान पुलिस और आरएसी के अधिकारियों और खेल प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। हवाई अड्डे पर आरएसी कमांडेंट सर्व हैदर अली जैदी, डॉक्टर रवि, रघुवीर सैनी, भवर सिंह नथावत और डिप्टी कमांडेंट राम सिंह ने खिलाड़ियों की अगवानी की। इन खिलाड़ियों का हवाई अड्डे से घाट गेट के मार्ग में कई स्थानों पर खेल प्रेमियों ने स्वागत किया। विजेता खिलाड़ियों को जुलूस के साथ घाट गेट स्थित आरएसी 5वीं बटालियन मुख्यालय ले जाया गया। महानिदेशक पुलिस श्री ओपी गल्होत्रा ने राजस्थान पुलिस के तीनों पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। श्री गल्होत्रा ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखते हुए भविष्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद जताई। वहीं अतिरिक्त महानिदेशक आर्म्ड बटालियन एवं मुख्य खेल अधिकारी राजस्थान पुलिस के नरसिम्हा राव ने इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिप्टी कमांडेंट राम सिंह को बधाई दी। 48 साल बाद मिला पदक। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने 48 साल बाद एशियाई में पदक जीता है। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।